You're a superhero. तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीटेक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ITI जो रिजल्ट लग चुका है वो मार्कशीट कैसे डाउनलोड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में हम जानेंगे आखिर क्या रिजल्ट मार्कशीट है वो डाउनलोड कैसे हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ है दोस्तों कि जब इस बार क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण, क्योंकि कोरोना काल लगने के कारण भी क्या हुआ है, जो DGT ने जितना भी सब काम है वो जो स्टूडेंट है वही कर पाएंगे, ना ही उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। ऐसी सुविधा आपको आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ही दिलाई दी है। जैसे कि मार्कशीट डाउनलोड करना है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले पहले कर सकते, अब ऐसा हो गया है कि पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब जाके आपकी जो मार्कशीट है जो जनरेट हुई है वो आपके कॉलेज वाले को दिखेंगी। तो दोस्तों, आपको ही कुछ ऐसा ही करना है, उसके लिए प्रोसेस क्या है हम जानेंगे आगे की ओर आगे की वीडियो में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ITI से रिलेटेड जो अपडेट है, न्यू अपडेट, वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका नंबर है, जो हॉल टिकट पे नंबर था, वो आपको अपना ले लेना है दोस्तों। जो आपका नंबर है दोस्तों आपके पास होना चाहिए हॉल टिकट का। उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सर्च NCVT MIS लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है थोड़ा सा, और यहाँ ट्रेनिंग मार्कशीट लिखा है तो ट्रेनिंग मार्कशीट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रेनिंग मार्कशीट पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है ओपन होगा, जो रिजल्ट आपने जब पहले सबसे पहले देखा था उस टाइप का। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है वहाँ यहाँ पे इंटर कर लेना है, और जो एग्ज़ाम सिस्टम जो एनुअल या सेमेस्टर था उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जो सेमेस्टर है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है या फर्स्ट ईयर है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं फिलअप कर लेता हूँ, कुछ प्राइवेसी होने के कारण मैं आपको। तो यहाँ मैंने दोस्तों जो अपना रिजल्ट है वो सर्च के लिए डाल दिया है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ मेरा रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट आने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रहता है एक्सेप्ट और एक रहता है राइज ग्रीवेंस। जब दोस्तों आपको लगे आपके मार्कशीट एकदम अच्छे, मतलब एक कोई फॉल्ट नहीं है, आपको मार्कशीट चाहिए, तो आप उस एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी मार्कशीट जो है थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, उसमें सर ने भी आपके नाम में फॉल्ट आया है, तो यहाँ पे एक राइज एंड ग्रीवेंस करके ऑप्शन रहता है नीचे में। हाल ही में मैंने इसकी जो है ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहे दोस्तों, पर यहाँ दो ऑप्शन रहते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका रिजल्ट बराबर है तो आपको एक्सेप्ट जो ऑप्शन रहता है उसी पे क्लिक करना है दोस्तों। एक्सेप्ट जो बटन रहेंगे उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे आप रिजल्ट पे एक्सेप्ट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा, आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ ऐसा वेरिफिकेशन के लिए आपको ये ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आपके सामने आएगा तो यहाँ पे कैलेंडर आता है दोस्तों, कैलेंडर से आपको डेट्स रहती है, पहले आपको ईयर डालना पड़ता है, फिर मंथ, और जो आपकी डेट होती है वो डालना पड़ता है। सबमिट कर देना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने और कुछ नया इंटरफेस आएगा, आपके सामने लोडिंग होगा पेज, और आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 आवर्स। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपकी जो मार्कशीट है वो जनरेट होने चले जाएंगी, आपको 24 घंटों के अंदर आपकी जो मार्कशीट है वो तैयार होकर आ जाएंगी, जिसके कारण क्या, आपके कॉलेज वाले जब ट्राई करेंगे आपकी मार्कशीट देखने तो उनके पास भी मार्कशीट आ जाएंगे, नहीं तो आपने जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी मार्कशीट जनरेट नहीं होंगी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।